ऑफ कोर्स फेक है। एक हफ्ते में किसको इश्क होता है और अगले हफ्ते किसका ब्रेकअप होता है, और ट्रायंगल दो हफ्तों में क्रिएट, एक हफ्ते में क्रिएट नहीं होता। मैं हूँ दलजीत कौर और आप मुझे देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड पे। सो फॉर ऑल द मसाला बीबी नॉन बीबी मी नॉट मी वॉच इट। फर्स्टली मैम वेलकम टू वायरल बॉलीवुड, कैसे हो आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी तो नहीं हूँ अभी फिलहाल, पर ओके। कितना मिस कर लियो आज का दिन, मतलब बिग बॉस? मैं एक्चुअली सुबह जब उठते हैं तो आज वाला सुबह कुछ अलग। डेफिनेटली मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने थर्ड वीक को लेकर, क्योंकि दो हफ्तों में मेरे रिलेशंस बहुत ही स्ट्रांग बन चुके थे, जो शायद हर जगह दिखे ना हो, लेकिन वो धीरे 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 बहुत ही रियल रिलेशंस बन चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इस वीक को लेकर, क्योंकि मुझे पता था कि वो रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल तरीके से टास्क में और हर जगह पे दिखाई देते, जो मौका नहीं लगा। तो क्या कहना चाहोगे कि अगर आपको रीएंट्री मिलती है तो किसकी पहले बैंड बजाना चाहोगे? बैंड तो पता नहीं, लेकिन क्योंकि मैं रियल और फेक इतने क्लियरली अंदर देख पा रही थी, तो मेरा आउटबर्स्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका था, चाहे वो सिद्धार्थ डे की तरफ हो, चाहे वो पारस की तरफ हो, चाहे वो सना की तरफ हो, चाहे वो शिफाली की तरफ हो, तो आई वॉज ऑलरेडी वेरी वर्बल विद देम, तो आई थिंक सबकी तरफ ही जाता। सिद्धार्थ और कोयना से आपकी फाइट भी हुई थी, तो उस फाइट के बारे में लोगों को? सिद्धार्थ डे मुझे लगता है वो सब लोगों के साथ अननेसेसरी वर्ड्स और अननेसेसरी लाइंस यूज़ करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और वो अंडर द बेल्ट बेफालतू में कुछ बोल देते हैं। अमीषा पटेल को भी उन्होंने ऐसी चीज़ बोली थी जो वर्थ इट नहीं थी, फिर उन्होंने कोयना को कुछ बोला, रश्मि को कुछ बोला, देबो को कुछ बोला, शुक्ला को कुछ बोला, फिर उसके बाद उन्होंने हाथ क्रॉस करके मेरे बच्चे के बारे में भी कुछ बोल दिया, तो आई थिंक वो ऑलरेडी बहुत उनका घड़ा भर रहा था। और एक बार उन्होंने जेरिन की बात की तो मैंने जाने दिया, लेकिन उसी दौरान, उसी टास्क के दौरान उन्होंने दूसरी बार ये चीज़ बोली कि आप जो कर रही हैं आपके बेटे पे जाएगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यू नो आप एक 5 साल के बच्चे को इस चीज़ में ड्रैग करिए, जबकि मैं अपने बच्चे को अपने बेनिफिट के लिए नहीं ड्रैग करती। मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि मैं सिंगल मदर रोऊं थोड़ा, जब मैं यूज़ नहीं कर रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं दिखना है वीक, तो आप मेरे बच्चे को बार बार क्यों ला रहे हैं? इट इज़ नॉट, मतलब इट्स नॉट अ मैन थिंग टू डू। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनको बोला कि अगर यू नो ही शुड नॉट डेयर डू दिस अगेन। फर्स्ट वीक में आप इतनी ट्रेंडिंग, लोग आपको इतना पसंद कर रहे थे, शॉकिंग था लाइक? बहुत, मैं ऑनेस्टली अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मैं बाहर आई हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं पता मैं कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी पर्सनैलिटी वो नहीं है जो आई विल नॉट बी ऑल ओवर द प्लेस, मुझे सिर्फ क्योंकि हाँ करेक्ट, तो मतलब मैं कैमरा को दिखाने के लिए प्यार मोहब्बत इश्क नहीं कर सकती, मैं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरे रिलेशंस बन रहे थे वो रियल रिलेशंस बन रहे थे, यू नो, एंड टास्क जब था तो आई वाज फाइटिंग लाइक अ मैन, और भले ही वो क्लॉक को तोड़ देना हो, भले ही वो 3 थैलियों में भर के प्यूक करना हो, इतना सारा मिर्ची खाना हो, भले ही वो फिशरीज में फिशेज डालते हुए सिद्धार्थ को डंके की चोट पर बोलना हो कि आपको जाना है तो ये मौका है आप जाइए, मैं कहीं भी नहीं घबराई। शायद मैं हर जगह नहीं दिखी, क्योंकि मैं धीरे धीरे रिलेशंस बिल्ड करने में बिलीव करती हूँ, और ऑलरेडी बन चुके थे मेरे रिलेशन, तो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड। कौन से ऐसे लोग रहेंगे जिनसे आप बाहर भी मिलना चाहोगे, और कौन से ऐसे लोग रहेंगे जिनसे आप बाहर नहीं मिलना चाहोगे कि मेरे को इससे भी मिलना चाहूँगी? डेफिनेटली रश्मि, आरती, देबो, मायरा, सिद्धार्थ शुक्ला, पारस, और नहीं मिलना चाहूँगी शायद डेफिनेटली सिद्धार्थ डे, क्योंकि मुझे वापस पता नहीं वो क्या बोल देंगे, और मिलना नहीं चाहूँगी वाली लिस्ट लंबी नहीं है, मतलब मैं ज़रूर देखना चाहूँगी बल्कि कि वो जो अंदर है वो बाहर आके क्या है, बल्कि मैं मिलना चाहूँगी ये देखने के लिए कि रियल क्या और फेक क्या है। और सिद्धार्थ शुक्ला जी उनका भी फाइट हुआ था, तो उस पर आप क्या करना? यार मुझे लगता है प्रोफेशनल उनका कोई आउटबर्स्ट हुआ था, मैं रश्मि को पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, मतलब मिलती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका मेरे घर में और हमारा आना जाना हो, ऐसा नहीं था, लेकिन जो मैंने महसूस किया दोनों की कुछ प्रोफेशनल कुछ आउटबर्स्ट हुए हैं काम करते हुए, जो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिए हैं, और वो एक दूसरे उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ को लेके वो अनसॉल्वड जो है वो चले ही जा रहा है, बट जहाँ तक मुझे लगता है जब यू नो खनकेंगे साथ में तो करते 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 फिगर आउट कर लेंगे। सबसे फेक पर्सनालिटी कौन लगता है आपको घर में? सना।
क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना इनोसेंट वो दिखाती हैं शायद वो उतनी इनोसेंट नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो छोटी हैं या व्हाटएवर हैं, लेकिन जितना मेरा रीडिंग उनके लिए रहा है वो उतनी भी इनोसेंट और उतनी भी नाइव नहीं है। बूस्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? सलमान सर है, जब जब वो आते हैं तो काफी मजा तो आता होगा। आप मेरी स्माइल से ही समझ गए होंगे, सलमान सर मतलब ही इज अ ट्रीट, व्हाट अ थॉरो जेंटलमैन। मुझे जब मिले बहुत प्यारा इंटरेक्शन रहा, फिर मेरा बेटा स्टेज पे आया, हम लोगों ने डांस किया, और फिर जब मैं जा रही थी तो उन्होंने लिटरली मेरे बेटे का हाथ पकड़ के रखा जब तक मैं गई, और लिटरली मेरे मतलब मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद हो रहा था लेकिन मैं देख पा रही थी कि वो ऐसे ही मेरे बेटे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो यू नो रिस्पॉन्सिबली छोड़ेंगे, जो एक सुपरस्टार से एक्सपेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो भी कुछ चंद मिनट उनके साथ मिले वो बहुत रियल लगे मुझे, और इतने मतलब इतने बड़े ओहदे के बाद वो ह्यूमिलिटी रखना आई थिंक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मैंने बहुत सुना था उनके बारे में, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि मुझे उनके साथ वो टाइम मिला। मतलब वो मस्ती तो करते लेकिन बहुत क्लास भी, उसके बारे में क्या कहते? उन्होंने हमें पिकनिक की बास्केट पकड़ाई थी तो क्लास तो हमारी भी लगी थी, लेकिन उसके बाद मैंने बोलना सब शुरू कर दिया था, और जाते जाते लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ कही कि दर्जीत यू प्लेड वेरी वेल और आप बहुत डिग्निटी से बाहर आ रही हैं। तो मुझे उनकी आंखों में एक बहुत ही प्यार नहीं बोलेंगे, प्यार प्रॉबेबली इज़ अ बिग वर्ड, बट एक एक एक्सेप्टेंस दिखी उनके आईज़ में कि यू नो आई डिड वट एवर आई डिड वॉज फाइन, सो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट दैट। पारस, शहनाज़ और मेरा, इनका ट्राइंगल चल रहा है मतलब काफ़ी दिनों से, तो क्या लगता है ये फेक है या रियल? ऑफ कोर्स फेक है। एक हफ्ते में किसको इश्क होता है और अगले हफ्ते किसका ब्रेकअप होता है, और ट्राइंगल दो हफ्तों में क्रिएट, एक हफ्ते में क्रिएट नहीं होता है। और जब माहिरा क्लियरली बार बार रोते रोते चीखते चीखते बोल रही हैं कि भाई मेरा कोई लेना ना देना, तो ट्राइंगल तब होता है जब कोई किसी से आप प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करता है, ट्राइंगल तो हो ही नहीं सकता जब एक बोल रही है कि मैं दोस्त हूँ भाई, और तो वो और जलसी एक ही हफ्ते में, इतने इमोशंस एक हफ्ते में, मुझे नहीं पता, मैंने जितनी भी जिंदगी देखी है मैंने इतने इमोशंस मुझे नहीं लगता रियल हो सकते विद इन टू वीक्स। क्या लेके जाओगे बिग बॉस आप अभी? बहुत सारी मेमोरीज, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ पहचानी है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे नहीं पता था। जब हमारा वो टास्क था जो सिद्धार्थ ने किया था, By choice I wanted to do that and I was very happy and I genuinely meant it कि यार मुझे कराओ, मुझे यू नो बर्फ ये वो सब मेरे ऊपर डालो, मुझे करना है। तो मेरा चांस नहीं मिला, मुझे उन्होंने खाने वाले टास्क में रखा और उसमें मैं लिटरली आधी पूरी बाउल लाल मिर्ची पाउडर खा गई थी। तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं फिजिकल टास्क से घबराती नहीं हूँ। इट वॉज आई थिंक आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लास्टली बेस्ट मोमेंट फ्रॉम दिस जर्नी एंड द वर्स्ट मोमेंट फ्रॉम दिस जर्नी। द बेस्ट जर्नी वॉज मीटिंग सलमान सर एंड शेयरिंग दैट लिटल मोमेंट विद हिम। आई थिंक आई विल कैरी इट ऑल माई लाइफ, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज़ अ सुपर स्टार, बिकॉज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी ह्यूमिलिटी देखना इज़ अ लेसन फॉर मी ऑल्सो टू लर्न, एंड आई थिंक द वर्स्ट वॉज ऑल द फाइट्स दैट आई हैव हैड with Siddharth Day, with Koina. और एक कोई एडवाइस अगर अभी आप देना चाहोगे, घर में तब थे तब नहीं? एडवाइस मैं देना चाहूँगी सिद्धार्थ डे को कि वो अपनी ज़ुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि जब फिशरी वाला टास्क भी हुआ तो मैंने वो सलमान सर को एक ही वीक पहले बोल रहे थे कि मुझे यहाँ से जाना है, कैमरा में जा जा के वो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मेरा हो गया है, रोते हैं। तो जब मैं फिशेस उनके बास्केट में डाल रही थी, मैंने उनको कहा था कि अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं तो मैं आपको मौका दे रही हूँ नॉमिनेट होने का, आप मुझे कम से कम ये दिखा दीजिए कि आप कम से कम इस बात पे सही हैं कि आप वाकई जाना चाहते हैं। उन्होंने सारे फिशेस उठाए और अपने दूसरे बास्केट में डाले, तो मुझे सिर्फ उनको ये बोलना है कि सिर्फ खैर दिखावा तो बहुत लोग कर रहे हैं तो उनको मैं अलग नहीं कहती, लेकिन आप बस अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें। मुझे ऐसा बिलीव है कहीं ना कहीं कि आप दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। हाउ स्वीट। मैं ज़रूर जाना चाहूँगी वाइल्ड कार्ड में, क्योंकि आई थिंक मैं सबका सही और गलत पहचान ऑलरेडी चुकी थी, और आई थिंक तभी पारस के साथ कन्फ्रंटेशन हो, सना के साथ कन्फ्रंटेशन हो, शिफाली के साथ हो, मैं बहुत स्ट्रांगली सबको बोल रही थी। तो आई वुड लव टू गो एंड प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल अगेन। मैं अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू फॉर कीपिंग मी ट्रेंडिंग, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइस हैव गिवन मी। आई नो कि जर्नी बहुत छोटी रही, सॉरी मुझे फेक करना नहीं आया, सॉरी मैं बहुत झगड़े नहीं कर पाई, वो मेरी पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांगली मैंने बहुत चीज़ों के ऊपर ओपिनियन रखा, दैट्स
मी पुशिंग माई बार, बट आई नो कि अगर मैं और रुकती तो यू वुड हैव सीन मोर स्ट्रेंथ फ्रॉम मी. और रोना धोना वॉज नेवर द पार्ट ऑफ द प्लान, सो आई एम वेरी प्राउड दैट आई डिडंट डू दैट. आई नो कि शायद आप लोग वो इमोशनल साइड देखना चाहते थे, लेकिन दैट वॉज नेवर मी. आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट यू गाइज हैव सपोर्टेड मी एंड आई लव यू गाइज सो मच. थैंक यू. Thank you.